एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। और आज पूरे 1.5 महीने बाद आपकी बहन को याद आ गई अपने यूट्यूब चैनल की। ओह माय गॉड, वैसे मैंने नोट किया है कि मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरी बुक्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने जब से बुक्स परचेज करी हैं वो भी बंद पड़ी हैं, और जब से मैंने चैनल बनाया है एक वीडियो के बाद वो भी बंद पड़ा है। 12 बज रहे हैं और सोचें इस टाइम अनाउंस की गई है चांद रात, ये तो होगा। और ये होता है जब आपने खुद मेहंदी लगानी हो। ये मेरा ईद का ड्रेस है जो मैंने पहना है, और बारिश हो रही है और हम लोगों ने गांव जाना है, तो मैं तो तैयार होने लगी हूँ ताकि मैं जल्दी से बहुत सारी वीडियोस बना दूँ। ये मामा इधर की कटिंग कर रही है। और तो रुको, जरा सबर करो। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। और अब मैं हो गई हूँ तैयार। ईद मुबारक। प्लानिंग करनी पड़ेगी अभी। सबसे पहले तो मामा पापा से ईदी लेते हैं जाके। प्यारी प्यारी शक्लें बनकर मामा पापा से ईदी मांगेंगे तो ज़रूर दे देंगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आएगा कि ये उनके बच्चे हैं। ईद मुबारक। ये किसने लगाई है? ये आपने लगाई है। अच्छा, मुझे नहीं दी दी आपने, मुझे ही दी दो। इनको दी तो है? नहीं दी, मुझे ही दी नहीं थी मेरे साथ ही। वो मेरे पैसे इसने देने थे। ये देख सकते हैं आप लोग, मुझे 50 रुपए। ये क्या हो रहा है? तुम्हें ईदी मिल गई, हमारी ईदी अब दे दो। शाबाश। पॉकेट में क्या तुम्हारी? नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने हैं? मेरे को नवे नोट नहीं है। आपने कभी जिंदगी में मुझे ईदी नहीं दी? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके फराइज हैं, ड्यूटीज हैं। अल्लाह माफी दे, इतने बड़े बड़े फराइज नहीं करते। देखिए, करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। कैसे मनाऊंगी थी मैं, कैसे मनाऊं ईद। अच्छा, कैसी रही ईद आपकी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं कैसे मनाऊं ईद। आ गए हैं वापस गांव से, तो बस यही था ईद व्लॉग। और बस ठीक है, इजाज़त दें, लाइक कमेंट शेयर जो जो करना है करते हैं। शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान आपको लाइक करने से रोकेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम रमज़ान में शैतान को मात दे सकते हैं तो उसके बाद भी दे सकते हैं, है ना? तो बस लाइक करें। और मेरी तबीयत बहुत डाउन है, तो मैं बस ज़रा रेस्ट कर लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और SOPs को फॉलो ज़रूर करें। ईद में SOPs को मत भूल जाएं। टाटा बाय बाय।